एक तरफ जहां नेटो की लिथुआनिया की बैठक में यूक्रेन को मॉडर्न और लंबी रेंज वाले हथियार सप्लाई करने का वादा किया गया, वहीं दूसरी तरफ नेटो के इस ऐलान से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर भड़के हुए हैं। पहले तो रूस ने इस ऐलान से परमाणु युद्ध की आशंका और बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की धरती पर जो विदेशी टैंक हैं, रूसी सेना उन्हें सबसे पहले अपना निशाना बनाएगी। पुतिन ने यहां तक कह दिया कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियार सप्लाई करने से युद्ध की दशा और दिशा नहीं बदलेगी, बस युद्ध लंबा ही खिंचेगा। इसके अलावा रूस की जनता को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की नेटो की सदस्यता रूस की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगी, जबकि पश्चिम के हथियार सप्लाई करने से वैश्विक तनाव और बढ़ेगा जो लंबा चलेगा। आपको बता दें कि नेटो की बैठक में फ्रांस ने यूक्रेन को लंबी रेंज वाली क्रूज मिसाइल देने का फैसला किया है, और फ्रांस के इस फैसले पर पुतिन ने कहा कि इससे नुकसान तो होगा ही, लेकिन उनके इस्तेमाल से युद्ध के मैदान में कुछ गंभीर नहीं होगा। आपको बता दें कि फ्रांस जिन मिसाइलों को यूक्रेन को देने जा रहा है उनकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर 2S बख्तरबंद टैंक देने का वादा किया है। युद्ध में ये टैंक काफी अहम साबित हो सकते हैं। चैलेंजर 2S की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्रॉस कंट्री है, जबकि सड़क पर इनकी रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि पुतिन का ये ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें बाइडेन ने कहा है कि रूस पहले ही यूक्रेन से युद्ध में हार चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई, हालांकि जो थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन रूस को बातचीत की मेज पर ले आएगी।